दिल्ली में भारी बारिश के बाद पानीपत और आसपास के लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल शनिवार को हल्की बारिश हुई जिससे उमस और बढ़ गई। अब जोरदार बारिश ही लोगों को गर्मी से राहत दिला सकती है। जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी से लोग ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी बेहाल नजर आते हैं। पेड़ों के पत्तों और जड़ों के लिए तो बारिश की फुहारें मानो अमृत की बूंदें बनकर बरसती हैं। इस बार मॉनसून के बादल यूपी और हिमाचल से हरियाणा में प्रवेश कर गए हैं, पर दो दिन के इंतजार के बाद शनिवार को हल्की बारिश हुई जिससे मामूली राहत ही मिली। लोगों को अब अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार है। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, उससे तो दो चार बूंद हुई, उससे तो कोई बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब उम्मीदों से हो रही, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। उस बारिश होने के बाद फिर धीरे धीरे बादल इधर अपने हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं, और पानीपत में भी उम्मीद होगी कि भाई बारिश जरूर होगी, क्योंकि बारिश का मौसम बढ़ता जा रहा। पहले दो चार बूंदों से तो गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन ये मौसम थोड़ा हवा चल रही बढ़ गया और मौसम में जो है ना गिरावट आ गई, ठंडा होता जा रहा। अब उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी। बस यही कि जैसा मौसम विभाग बता रहा था कि बारिश इस प्रकार से होगी, उस तरह से तो हुई नहीं है, लेकिन जो हल्की फुल्की बूंदाबांद हुई है, लेकिन इससे जो तपती हुई गर्मी थी उससे तो राहत मिली है, किंतु उमस भी साथ में बढ़ गई है और बारिश का इंतजार मुझे लगता है हर इंसान को हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल इसी सीजन में भारी बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आई थी। हिमाचल में तो पहाड़ के पहाड़ दरक गए थे। दिल्ली में भी 70 साल बाद बाढ़ आई थी। लोग इस बार वैसा तो नहीं चाहते, पर इतनी बारिश जरूर चाहते हैं कि जमीनी पानी का स्तर ऊंचा उठ जाए, नदी नहरों की प्यास बुझ जाए, पशु पक्षी जीव जंतु और जिंदा इंसानों में जान आ जाए और चारों ओर हरियाली नजर आए। इतना बरसो रे मेघा। से योगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वेदर कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।